एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। देखो, मैं बताने वाला हूँ, उसको एकदम गौर से सुनना। मैं ज़्यादा दिखावा बात नहीं करूँगा, केवल मुद्दा का बात, पॉइंट टू पॉइंट बात। प्रॉफिट कैसे करना है, कैसे होगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा टॉपिक है। हम किस उद्देश्य के लिए वीडियो बना रहे हैं? हम पहला उद्देश्य हमारा है कि हमें केवल और केवल प्रॉफिट करना है मार्केट से। तो चलिए, पहला वीडियो में जो बताया था आपको, उसमें क्लियर साफ साफ बता दिया था कि मार्केट कम रिवर्सल हो सकता है और उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। इस बात के बारे में आपको बताया था पहले ही कि मार्केट देखिए, यदि आप देखें वन डे में, तो मैं आपको क्लियर कट दिखा दे रहा हूँ। वन डे में मार्केट क्या था, आप देखो वन डे में मार्केट ये क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। टोटल और टोटल डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है। आपको क्लियर कट पता चल रहा होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड में मैं कैसे ऐसा आपको बता दिया कि मार्केट अब ये अब की ओर मूवमेंट जाएगा। तो यही आपको समझना है कि कुछ कुछ बातें होती हैं, कुछ कुछ पॉइंट होती है जिससे हमको समझना होता है कि मार्केट कैसे चेंज होता है और कैसे ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट नीचे जाता है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जिन्हें हमें समझना होता है। लेकिन मार्केट सपोज़ ट्रेंड ही फॉलो करती रहे, बियरिश जाती रहे, तो हमें उस कंडीशन में क्या ट्रेड लेना है, कैसे करना है, ये भी मुद्दे वाली बात है। लेकिन सबसे पहला लॉजिक होता है, जब मार्केट में आप बैठते हो तो दिमाग में बस दो ही चीज़ आता है, मार्केट का क्या पोजीशन होगा, मार्केट बुलिश होगा या मार्केट बेयरिश होगा। यही दो चीज़ आते हैं हमारे पास सामने। इसी को लेके यदि आपको ये दो चीज़ सिग्नल पता हो गया, तो आप मार्केट में आराम से एंट्री कहाँ करना है और एंट्री कहाँ करना है, ये तीन चीज़ आपको पता हो गया तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। पहला जब मार्केट दिमाग में मार्केट को आता रहा है, सबसे पहले बुलिश और बेयरिश ये दोनों से हमें पता करना होता है। उसके बाद एंट्री कहाँ करना है, ये सबसे बड़ा मायने की बात है। चलो मैं देर ना करते हुए आपको बताता हूँ, इसलिए वीडियो को भाई मेरे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे अब कंटिन्यूस एक दिन में दो वीडियो, तीन वीडियो, चार वीडियो मिलेगा, वो भी बिना बताए आपको, बिना कुछ लिए, बिना कोई चार्ज के। आपको यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज मिलेगा जो कहीं कहीं बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नीचे से उठने वाले लोग हैं। हमारे दिमाग में जो चलता है वो आप तक फ्री कहीं पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होती है, वो मनसा नहीं होती है कि हम आपसे कुछ लें। तो चलिए, जो हमारे दिल में है वो आज कल के लिए मैं बताता हूँ, इसलिए कल के लिए क्या होने वाला है उसको ध्यान से सुनना। चलो अब सबसे पहले मैं करता हूँ इसको 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट के चार्ट में आप देखना कि क्या है मामला। जिस तरीके से मैं आपको बता दिया था कि मार्केट कैसे जाएगा, मार्केट जाएगा यहाँ से, आपका प्राइस 17,500 से मार्केट कहाँ तक तो जाएगा, मैं बताया था आपको 17,000, 17,000 कहाँ तक तो जाएगा बताओ बताओ। आपका मार्केट 17,780-90 के आसपास जा सकता है, 17,780-70 ये आसपास में रेंज में चलेगा। तो इस बात आपको मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि मार्केट सपोज़ कभी भी ओपन होता है बीच में, तो आपको इस बीच में जो मैं रेंज बताया हूँ आपको, ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में सपोज़ मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, यहाँ चलता है, यहाँ चलता है, इस बीच में आपको कुछ करना ही नहीं है, इस बीच में आपको करना ही नहीं है। सपोज़ आपको मान लीजिए मार्केट का सिग्नल पता चल गया कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप ये नहीं कि यहाँ मार्केट ओपन हुआ और यहीं से आप बुलिश के लिए लगा दिए। अरे मेरे बाप मेरे भाई, मार्केट को आने दो, वो अपना एक रेंज बनाता है और उस रेंज से ही वो अप एंड डाउन जाता है। तो अब यहाँ पे आप लगा दी एंट्री कर लिए, तो एंट्री यहाँ करने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ एंट्री करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आएगा आएगा और कुछ अपने जो लोअर पॉइंट है उसको टच करके फिर कहीं ना कहीं धीरे से मार्केट ऊपर जाएगा। अब सब तुम यहाँ लगाए हो तो यहाँ तुम्हारा एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस खा ना दिया। तो तुम सोचोगे यार, हम तो मार्केट का जो जजमेंट किए थे कि बुलिश जाएगा मार्केट, लेकिन साला मार्केट हम बुलिश किए तो हमारा स्टॉप लॉस खा दिया और आप दोबारा यहाँ बैठोगे नहीं, और वही करके अपना लाइन लेके मार्केट नीचे आएगा और यहाँ से फिर चलते चलते इस तरीके से ऊपर जाएगा। लेकिन आप जल्दबाजी के चक्कर में सब बर्बाद कर देते हो अपना जो, आप भी मार्केट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा लॉजिक और बड़ा कोई यहाँ 30 मार खान बनने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट वेरी सिंपल, बट हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी की वजह से हम अपना जो सही डिसीजन होता है उसको भी गलत बना देते हैं, क्योंकि हम बीच में घुस जाते हैं। अब इस बीच में रेंज में घुस गए तो
तो हमारा क्या होगा, हमारा तो बाल बाका क्वीन करता हो तो मार्केट उठा पटक चलेगा ही ना भाई, मार्केट उठा पटक चलता ही है। तो सबसे पहले एंट्री करने का तरीका बता रहा हूँ, मार्केट सपोज़ यहाँ ओपन होता है, सपोज़ मार्केट आपका यहाँ ओपन होता है यहाँ, तो यहाँ से आपको वेट करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, या तो ऊपर जाने का वेट करना है, ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, और यहाँ कुछ समय लगाता है, छोटा 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 कुछ करता है, तो यहाँ से आपको एक बार महसूस करा देगा कि यहाँ पे आपको एंट्री सेल के लिए मारना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेल के लिए भी मार सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे आप सेल के लिए भी ले सकते हो नीचे की ओर और निकल सकते हो। लेकिन सपोज मार्केट नीचे की ओर जाता है, मार्केट नीचे की ओर मूवमेंट करता है, तो आपको बीच में एंट्री नहीं करना है, जब तक यहाँ तक ना जाए और यहाँ सस्टेंस ना कर जाए, यहाँ रुके ना, तब तक आपको देखना है, या तो एक मार्केट इस तरीके से बनाएगा, या तो हमर पैटर्न बनाएगा, या फिर कुछ डोजी बनाएगा, तो इस तरीके से मूवमेंट लेके आपका मार्केट ऊपर की ओर निकलता है, तो यहाँ से तुरंत आपको बाई के लिए लगा देना है। और यहाँ से बाई के लिए लगाओगे तो इस तरीके से आपको मूवमेंट कहाँ तक जाएगा, ये मूवमेंट आपका वेट करोगे तो यहाँ तक आपका रहेगा प्रॉफिट, ठीक। तो यहाँ से आप स्टार्ट करना है बाई के लिए, यहाँ तक लगाना है, यदि सेल के लिए लगाना है तो यहाँ से मार्केट देख लेना, यदि रुकता है तो आपको सेल यहाँ से नीचे के लिए लगाना है, और आपका स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखना, क्लोज मार्केट के पास भी थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि क्लोज के पास थोड़ा सा मार्केट रुकता है, टाइम लेता है, उसके हिसाब से फिर मार्केट मूवमेंट ऊपर नीचे लेता है, लेकिन आपका सबसे राइट जोन यहाँ है सपोर्ट का, और रेजिस्टेंस का यहाँ है रेजिस्टेंस। सपोज़ मार्केट इस जोन को तोड़ देता है, इस जोन को तोड़ देता है, तो आपको और अच्छा ट्रेंड मिलेगा यहाँ पे, यहाँ तोड़ता है उसके बाद इसको नीचे आने देना है। चलती मार्केट में पकड़ना अच्छी बात है, क्योंकि जैसा जैसा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसमें पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं बीच में जब बहुत ऊपर चला जाता है। पकड़ना कहाँ है भाई, अगर आप तुमको पता है कि बाई जा रहा है तो बाई पकड़ना है आपको यहाँ, जब ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, ये नीचे की ओर आएगा इस तरीके से, तो यहाँ से आपको बाई के लिए फिर मारना है, वेट करना है, वेट आपको यहाँ 20 मिनट भी झिलवाएगा, 15 मिनट भी झिलवा सकता है, चाहे 30 मिनट आधा घंटा भी झिलवा सकता है ये वापस यहाँ नीचे आने में, लेकिन आपको वेट करना है, एंट्री केवल और केवल परफेक्ट लेना है, एंट्री केवल एक लीजिए दिन भर में, लेकिन लीजिए तो परफेक्ट लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, पैसा इतनी कीमती है, क्योंकि आप अगर लगा दिए तो वह तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, तो लॉस क्यों करना, करना है तो केवल और केवल प्रॉफिट करना है। तो देखो ये तो मैं आपको कल ही बता दिया था, कल नहीं आज ही बताया हूँ, लगभग 11-12 बजे आपको सुबह ही बता दिया था, लेकिन ये शाम का समय है, कल मार्केट अब ओपन होगा 9:15 में मंडे का, यानी कि 30 तारीख को जनवरी को 2023 को मार्केट कल मंडे है ओपन होगा। मैं इस बियरिश मार्केट में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार बैठा है। चलिए कहीं ना कहीं आपका जोन ये 750, ये मार्केट 750 में आपका कहीं ना कहीं यहाँ देखो माइनस में है, कहीं मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिरने की संभावना है, 750 यानी कि 780 जो मैं बताया था रेंज, यहाँ से कहीं मार्केट नीचे की ओर जा सकता है, और कहाँ तक जाएगा 440 तक, तो ये 17,400 तक जा सकता है नीचे, मैंने आपको बता चुका था। इससे एक और सपोर्ट जोन है वो है 17,500, तो 17,500 तक मार्केट नीचे जाएगा अगर इसको तोड़ता है, तो 17,400 तक लास्ट है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, बारीकी से बताऊँगा, लेकिन वीडियो पे बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं अब हर दिन दो तीन वीडियो हमेशा अपलोड करूँगा, जिससे आपको हमेशा आपको